7 जून के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 21 जून से केंद्र सभी राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन मुहैया करवाएगा। आपको बता दें कि इससे कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीन पॉलिसी को आर्बिट्ररी एंड इरेशनल यानी मनमाना और तर्कहीन बताया था। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यह भी कहा था कि केंद्र पर यह दबाव डाला जा रहा था कि वैक्सीन खरीदने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी बनाई जाए, यानी उनका यह कहना था कि राज्य ये मांग कर रहे थे कि उन्हें वैक्सीन की सीधी खरीद के लिए मंजूरी दी जाए। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने के मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा था, देश के नागरिक भी अनुशासन का पालन करते हुए अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवा रहे थे। इस बीच कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। राज्यों की इस मांग को देखते हुए, उनके आग्रह को ध्यान में रखते हुए 16 जनवरी से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसमें प्रयोग के तौर पर एक बदलाव किया गया। हमने सोचा कि राज्य ये मांग कर रहे हैं, उनका उत्साह है, तो चलो भाई 25% का काम उन्हीं को सुपुर्द कर दिया जाए। मई में 2 सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जुड़ती चली गई। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए, जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे। लेकिन मोदी जी की इस बात में कितना दम है? क्या वाकई ऐसा ही हुआ? क्या वाकई राज्यों ने केंद्र सरकार पर वैक्सीन खरीद की पॉलिसी को डिसेंट्रलाइज करने का दबाव डाला? ऑल्ट न्यूज को अपनी एनालिसिस में इस सवाल का जवाब मिलता है नहीं। देखने पर तो यह मालूम पड़ता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन पॉलिसी की जिम्मेदारी से दूरी बना रहे हैं, वही वैक्सीनेशन पॉलिसी जिसकी विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की थी। सब कुछ विस्तार से जानते हैं और यहीं हम आपको यह भी बता दें कि इस रिपोर्ट को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट altnews.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। हिंदी में पढ़ने के लिए altnews.in/hindi पर जाएं। इस रिपोर्ट को ऑल्ट न्यूज के साथी पूजा चौधरी ने तैयार किया है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 8 में दिल्ली और पुदुचेरी में चुनी हुई सरकार है, जबकि कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अगर मोदी ये दावा कर रहे हैं कि राज्य सरकारों ने केंद्र पर डिसेंट्रलाइजेशन का दबाव बनाया, तो ये माना जाना चाहिए कि जिन राज्यों ने दबाव डाला उनकी संख्या काफी ज्यादा रही होगी। 12 प्रदेशों में भाजपा की सरकार है और 6 दूसरी जगहों पर भाजपा गठबंधन में शामिल है। लेकिन जब हम पड़ताल करते हैं तो मालूम चलता है कि महज 2 राज्य की सरकारों को छोड़कर यह मांग किसी और राज्य ने रखी ही नहीं। 24 फरवरी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा था और कहा था कि राज्य में होने वाले चुनावों से पहले उन्हें वैक्सीन की सीधी खरीद की अनुमति दे दी जाए, और यह रिक्वेस्ट बगैर किसी हटके की गई थी जिसे मंजूरी नहीं मिली। 2 महीने बाद जब केंद्र ने वैक्सीनेशन को 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए शुरू किया तो ममता बनर्जी ने सरकार की पॉलिसी को खोखला, आधारहीन और जिम्मेदारी से बचने के लिए उठाया गया कदम बताया। उनका कहना था कि सरकार ने क्वालिटी और प्रभाव को मेंटेन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है और न ही कीमत के बारे में तस्वीर साफ की है। ऐसा ममता बनर्जी ने उस वक्त कहा था। 22 अप्रैल को उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि सरकार को यह तय करना चाहिए कि लोगों को वैक्सीन मुफ्त में लगे, पैसे चाहे राज्य सरकार भरे या केंद्र। इसके अलावा 8 मई को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी को एक लेटर के जरिए बताया था कि महाराष्ट्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से सीधे टीके की डोज खरीदना चाहती थी। उन्होंने लिखा था कि अगर राज्य सरकार सीधे वैक्सीन खरीदती है तो तेजी से टीकाकरण संभव होगा और जनसंख्या के बड़े हिस्से को कवर किया जा सकेगा। यह भी बता दें कि खत वैक्सीनेशन पॉलिसी के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन के बाद लिखा गया था। 24 मई को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने यह मांग की थी कि भारत सरकार को एक सिंगल ग्लोबल टेंडर जारी करना चाहिए जिससे राज्य सरकारों के बीच वैक्सीन खरीदने को लेकर कोई अनहेल्दी कॉम्पिटिशन न हो। इसके अलावा कांग्रेस के बड़े नेता आनंद शर्मा ने 16 अप्रैल को कहा था कि राज्य सरकारों को वैक्सीन की सीधी खरीद की अनुमति मिलनी चाहिए। उनके अलावा एमके स्टालिन जो कि डीएमके के नेता हैं, उन्होंने 18 अप्रैल को नरेंद्र मोदी को खत लिखते हुए कहा था कि राज्य को स्वतंत्र रूप से मेडिकल इक्विपमेंट और दवाइयां खरीदने की इजाजत दी जाए। 21 अप्रैल को उन्होंने ट्वीट किया था कि राज्यों को वैक्सीन खरीदने के लिए केंद्र से फंडिंग मिलनी चाहिए। यहां आपको 2 चीजें बता दें, आनंद शर्मा राज्यसभा सदस्य हैं और किसी भी राज्य सरकार में कोई पद नहीं है उनके पास।
एमके स्टालिन ने सीएम बनने के बाद कहा कि केंद्र को वैक्सीन लानी चाहिए और यूनिवर्सल मास वैक्सीनेशन कैंपेन से देश में वितरित करनी चाहिए। उनसे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी ने भी यही कहा था कि केंद्र को ही वैक्सीन लानी चाहिए और फेज थ्री में जिस तरह से वैक्सीन दी जा रही थी वो प्रोसेस ठीक नहीं था। इसके अलावा विपक्ष के बड़े नेता पी चिदम्बरम और AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी वैक्सीन खरीद की पॉलिसी के केंद्रीकरण की तारीफ की थी। इन सबके बीच दो बड़े नाम थे जिनके बारे में सत्ता पक्ष के लोग बात करते हुए कह रहे थे कि ये राज्यों द्वारा वैक्सीन की सीधी खरीद के पक्षधर थे। ये दो लोग थे मनमोहन सिंह और राहुल गांधी। मनमोहन सिंह ने 18 अप्रैल को नरेंद्र मोदी के नाम एक चिट्ठी लिखी। उसमें उन्होंने कहा कि केंद्र को ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिससे इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए 10% वैक्सीन बचा ली जाए और बाकी की राज्यों को सप्लाई कर दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को पारदर्शिता लाते हुए बताना चाहिए कि केंद्र किस तरह से किस राज्य को कितनी वैक्सीन देगा। उन्होंने कहीं भी विकेंद्रीकरण की बात की ही नहीं। इसके अलावा 8 अप्रैल को राहुल गांधी ने भी एक खत लिखकर कहा था कि गिव स्टेट गवर्नमेंट्स अ ग्रेटर से इन वैक्सीन प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उन्होंने राज्य सरकारों की भागीदारी में बढ़ोतरी की मांग की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि स्वास्थ्य राज्य का मसला है लेकिन सभी राज्यों को पूरी तरीके से बाईपास कर दिया गया है। राहुल गांधी के इसी खत को लेकर भाजपा नेता कह रहे थे कि कांग्रेस ने वैक्सीन खरीदने की पॉलिसी के डिसेंट्रलाइजेशन की मांग की है। इनमें स्मृति ईरानी भी शामिल थी। यहां यह भी बता दिया जाए कि राहुल गांधी और मनमोहन सिंह किसी भी राज्य सरकार के मुखिया नहीं हैं और राहुल गांधी ने भागीदारी बढ़ाने की मांग की थी, न कि पूरी तरह से सारी पावर राज्य सरकार के हाथ में देने को कहा था। कुल मिलाकर 19 अप्रैल ही वो तारीख है जब वैक्सीन खरीद का मामला डिसेंट्रलाइज किया गया था और हमें 19 अप्रैल के पहले कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली जो ये बताती हो कि किसी भी राज्य सरकार ने वैक्सीन उत्पादक से सीधे वैक्सीन खरीदने की मांग रखी हो। और चूंकि ऐसा है तो नरेंद्र मोदी आखिर किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन की बढ़ती मांग और दबाव के चलते सरकार ने यह फैसला लिया था? क्या नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि 30 इलेक्टेड असेंबलीज में महज दो मुख्यमंत्रियों और इक्का दुक्का विपक्षी नेताओं के बयान को आधार बनाकर पूरे देश पर एक पॉलिसी लागू कर देने की बात हुई है? ये सवाल अब भी कायम है और इसका जवाब देता हुआ कोई भी नहीं दिख रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जब सवाल खड़े हुए तो कई पत्रकारों और मुख्यधारा के मीडिया संस्थानों ने यह दिखाने की कोशिश की कि केंद्र सरकार का वैक्सीन खरीद के पूरे प्रोग्राम को फिर से सेंट्रलाइज करने का प्लान 1 जून को ही शुरू हो गया था, यानी उनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से 1 दिन पहले ही। यानी वो ये बताना चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी पहले ही ये फैसला ले चुके थे और सुप्रीम कोर्ट की आलोचनात्मक टिप्पणी का कोई इन्फ्लुएंस उस पर नहीं था। टाइम्स नाउ की पॉलिटिक्स की ग्रुप एडिटर नाविका कुमार ने लिखा, मुझे बताया गया है कि वैक्सीन की खरीद का केंद्रीकरण का प्लान 1 जून को नरेंद्र मोदी की मेज पर था। डिटेल में हुई प्रेजेंटेशन और उनकी हामी की मुहर उसी रोज उस पर लग गई थी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 2 जून को थी, अब विपक्ष जाने। बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया। एबीपी न्यूज एंकर विकास भदौरिया ने सरकारी सूत्रों का हवाला देते हुए दावा किया कि 3 जून को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई थी और उससे पहले ही केंद्र का प्लान चालू हो चुका था। अमन शर्मा, पायल मेहता और मेघा प्रसाद सहित तमाम पत्रकारों ने ऐसे ही ट्वीट्स किए जिसमें सरकारी सूत्रों के हवाले से बात की गई थी। न्यूज चैनलों और न्यूज एजेंसीज में रिपब्लिक, ANI, याहू न्यूज, टाइम्स नाउ, Z5, लेटेस्टली लाइव हिंदुस्तान और नवहिंद टाइम्स ने भी ऐसी ही बातें छापी। असल में 30 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आर्टिकल 21 के तहत जीवन के हक को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को यही करना चाहिए कि वो खुद ही सभी वैक्सीन खरीदे और वैक्सीन निर्माताओं से दाम के मामले में तोलमोल करे और फिर राज्यों को दे, जहां से लोगों तक उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी का निर्वहन राज्य सरकार करे। अदालत का कहना था कि एक तरफ वैक्सीन की खरीद केंद्र के अंडर हो, वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डिस्ट्रीब्यूशन का काम लोकल सरकार करे। इसलिए यह कहना कि नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के 1 दिन पहले ही 75% वैक्सीन खरीदने और 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण का प्लान तैयार कर लिया था गलत मालूम देता है। यहां एक और पेच है, पेच उनके लिए है जो ये कह रहे थे कि सेंट्रलाइज करने का प्लान 1 जून को ही प्रधानमंत्री की टेबल पर था। असल में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 31 मई को हो गई थी, वो तो ऑर्डर की कॉपी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 2 जून को अपलोड की गई थी। और तो और 30 अप्रैल को यानी 1 जून से लगभग 1 महीना पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था कि टीके खरीदने की जिम्मेदारी केंद्र की ही तय की जानी चाहिए। आप अदालत के ऑब्जर्वेशंस और वैक्सीनेशन पॉलिसी से जुड़े घटनाक्रम को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट altnews.in पर जाकर ये रिपोर्ट जरूर पढ़ें जो अर्चित मेहता ने तैयार की है।